में शनिवार को 40 कोरोना के नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि 40 मामले जिले के अलग अलग एरिया से जुड़े हुए हैं। करनाल में आज आए नए 40 पॉजिटिव मामलों की बात करें तो इनमें 7 पॉजिटिव केस सेक्टर 7 के, 4 पॉजिटिव केस सेक्टर 6 के, 3 पॉजिटिव केस शिव कॉलोनी के, 2 केस सेक्टर 13 से और नीलोखेड़ी महिला आश्रम, गांधीनगर, बलागांव, प्रेमनगर, जुंडला गेट सेक्टर 8, शेखपुरा गांव, कुंजपुरा गांव, श्याम नगर, मोती नगर, बैरसाल सेक्टर 35, प्रीतम नगर, आरकेपुरम, डबकोली, तरावड़ी, करनाल के सेक्टर 16, सेक्टर 14 व अन्य मामले भी जिले के कई अलग अलग एरियो से जुड़े हुए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाने में जुटा हुआ है। करनाल सीएमओ योगेश शर्मा ने बातचीत में बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसीलिए अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल जिले की स्थिति कंट्रोल में है, यहाँ का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। अधिकतर मरीज कम लक्षण वाले हैं जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है। करनाल में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की बात करें तो जिले में 1533 केस आ चुके हैं। एक्टिव केसों की बात करें तो 403 एक्टिव केस हैं। 1125 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 13 मरीज की कोरोना से मौत हो चुकी है। आज सुबह तक हमारे जो लिस्ट आई है उनके अनुसार हमारे 40 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा हमारे टोटल एक्टिव केसेस कल शाम तक जो थे वो 354 थे और 1125 केसेस जो हमारे डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। हमारे रिकवरी रेट जो है 78% के पास है और केसेस अभी जैसे अभी हम पहले भी बताया कि कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो उसका एक कारण ये भी है कि हमारे नंबर ऑफ़ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कल भी हमने 650 टेस्ट किए हैं और उस स्वाभाविक है जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी थोड़ा नंबर बढ़ेगा और पेशेंट की डायग्नोसिस बढ़ेगा। तो इस चेन को रोकने का, इसको कंट्रोल करने का यही एकमात्र साधन है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करी जाए, पेशेंट को डायग्नोस करके उनको आइसोलेट किया जा सके जिससे इसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सके। बात करें तो अधिकतर जो मरीज कम लक्षण हमें घर ही आइसोलेट किया जा रहा है, उसके बारे में? हाँ, अब हमारी प्रायोरिटी अब यही है कि जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं और जहाँ पे घर में व्यवस्था उपलब्ध है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो उनके घर में ही उनके घर के एनवायरनमेंट में रखने के लिए घर में आइसोलेट कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे 215 केसेस जो है वो होम आइसोलेशन पे हैं और होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को हम एक आइसोलेशन किट देते हैं जिसमें मेडिसिन हैं, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स हैं और साथ में इंस्ट्रक्शन भी हैं कि कैसे उन्होंने अपना ध्यान रखना है। और हमारे डॉक्टर्स लगातार, हमारी टीम जो है सुबह शाम उनके साथ कांटेक्ट में भी रहती है कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इमीडिएटली उसका ध्यान रखा जा सके। जैसा आप सबको पता है कि पिछले 5 महीने से स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने अथक प्रयासों से लगातार बिना किसी अवकाश के वो इस महामारी में कार्य कर रहे हैं। इसमें उन बिकॉज फ्रंट लाइन वॉरियर होने के कारण उनको उन्होंने अपनी लाइफ को भी अपने दाव पे लगा रखा है और बहुत मेहनत करी है कि इसके कारण हम अभी एक बेहतर परिस्थिति में हैं। तो उसके लिए ही आज कोरोना वॉरियर के जो हमारे फ्रंट लाइन जिन्होंने अच्छा कार्य किया था उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सम्मानित किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका ना केवल इससे उत्साह बढ़ेगा और वो और जी जान से मेहनत करके इस महामारी में अपना योगदान देंगे। जो अन्य कर्मचारी भी हैं उनका भी इससे उत्साह बढ़ेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.